गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र के नौसड़ में स्थित यूनियन बैंक की शाखा से पैसा निकालकर गिन रहे वृद्ध से टप्पेबाजों ने 17,500 रुपए उड़ा दिए। सहजनवा थाना क्षेत्र के साथीपार गांव के अध्यक्ष अक्षयवर प्रसाद अपने पुत्र उमेश के साथ नौसड़ स्थित यूनियन बैंक की शाखा से अपने खाते से 80,000 रुपए निकाले और बैंक परिसर में ही बैठकर रुपए की मिलान करने लगे। इसी दौरान पास में खड़ा एक युवक जल्दी रुपए मिलान करने की पेशकश करते हुए रुपए गिनती करने को कहा। वृद्ध अक्षयवर उक्त टप्पेबाज के झांसे में आ गए और रुपए की गड्डी गिनने के लिए दे दिया। रुपए गिनने के दौरान टप्पेबाज युवक बड़ी ही सावधानी से उक्त गड्डी से 17,500 रुपए गायब कर रुपए कम होने की बात करते हुए शेष रुपए वृद्ध को लौटा दिए। वृद्ध को शक हुआ तो उसने अपने बेटे उमेश से रुपए गिनने का कहा, तब शातिर वहां से निकल चुका था। वृद्ध के शोर मचाने पर लोगों ने उसे दौड़ाया किंतु वह भाग निकला। घटना की सूचना पाकर पहुंची बेलीपार पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से शातिर टप्पेबाज की तलाश में जुटी हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, काउंटर से पैसा निकला, हम जो है पी रहे थे, पहले लड़के को लड़के को कितना पिए ले रही थे, दो गड्ढी थे तो एक गड्ढी लड़का लेकर के पी ले, और तब तक दूध मेरे पास आ गए, हम भी पी रहे थे, वो लोग मेरे हाथ से पैसा लेकर के है, ऐसे गिनना चाहिए वैसे गिनना है, वो लोग कहने लगे आपने पैसा दे दिया उनको। हाँ, उसके बाद जो है हमको जब घर जहाँ हटने लगी, एक हट गया पहले, सभी लोग मौके से पहुंचे थे, जब हट गया तो दूसरा गिन रहा है पैसा, तो इधर का ऐसे गिनना चाहिए वैसे गिनना चाहिए, तो जब हमको थमा दिया पैसा, रबड़ उसमें से छोड़ा दिया, रबड़ में बंद जब छोड़ा दिया, जब जो उन्हें कह रहा है ऐसे गिनना चाहिए वैसे गिनना चाहिए, तो सब सही कर दिया, जो है हमको पैसा कम लगा, तो मैंने लड़का बगल में फोन में था, तो मैंने कहा यूँ बेसवा देखो पैसवा लेकर के भाग जा रहा है, भगा रहा है, जब जाओ मैंने उस काम अंदर से जो है कहते हम लोग निकले बाहर, तब तक वो गाड़ी स्टार्ट किया था पाले वाला, स्टार्ट किया वहीं पर जाकर के पैसे लगा दिए, मेरा लड़का था मार्केट का, जो भी हो जब पैसा आप अपने पास उसके हाथ में दे दिए, हेलो पैसा वो गिनने के लिए मांग रहा था और आपने पैसा दे दिया, गिनने के लिए दिया नहीं, अब हमारे हथवा में से बनवा दे दिया, अरे आपने दिया अपने मर्जी से दिया ना, जबरदस्ती छीना नहीं था, वही है आपने अपने मर्जी से दे दिया, गिनने के लिए जब वापस किया हो तो आपने मर्जी से सर नहीं दिए थे, मतलब आप पैसा लिए जैसे दीजिए, वही ना आप दिए ना, छीना नहीं ना, नहीं तो आपने दिया उसको छीना नहीं, और जब आपको नोट कम लगा हल्का लगा तब आपको एहसास हो, तब मैंने लड़के से जी, समय समय पर कुछ इस तरह की वारदातें सामने आती हैं जिसमें बैंकों के इर्द गिर्द लोग घूमते रहते हैं और वो किसी न किसी बहाने से अनजान बनके और गरीबों से या इस तरह से किसी बहाने से पैसे ऐंठ लेते हैं या छीन लेते हैं या कभी कभी चालबाजी करके उनके सामान से पैसे निकाल लेते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से जनता से अनुरोध है कि ऐसे लोगों से बच के रहें और इनकी सूचना हमें तुरंत दें और इनके चालों में इनके उसमें ना आए। कई बार ये भी पाया गया कि अपने आप को पुलिस वाला बता करके और हाथ ऊपर करके तलाशी के बहाने लोग पैसे निकाल के भाग जाते हैं। इस तरह के तत्वों पर हम सख्त निगरानी कर रहे हैं, इस तरह के पकड़े भी गए हैं लोग, लेकिन बाहर से कुछ और से आ जाते हैं, कभी कभी जेल से छूटते हैं, उन पर हम लोग निगरानी कर रहे हैं और हम जल्द से जल्द इन सबको पकड़ के अंदर कर देंगे।